हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर एक और नई वीडियो में। गाइस आज की इस नई वीडियो में आपको बताऊंगा किराना दुकान की 3 ऐसी समस्या जिसकी वजह से लोग अक्सर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। पता है क्योंकि इस समस्या के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि किराना दुकान खोलने के बाद में ये समस्या आपके साथ में भी होगी जो समस्या आती है किराना दुकान में। क्योंकि देखिए किराना दुकान में जो समस्याएं होती है ना, जो प्रॉब्लम्स आती है ना, आपको कोई भी नहीं बताता होगा, जो मैं आपको जेन्युइन तरीके से बताता हूं, लेकिन आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हो। जैसे कि हम छोटे क्रिएटर लोग को आप सपोर्ट नहीं करते हो, हमारी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हो, उसी तरह से हम छोटे किराना दुकानदार को कोई बड़ा दुकानदार सपोर्ट नहीं करता है भाई। क्योंकि देखिए जब आप किराना दुकान ओपन करते हो ना तो ये समस्या आपके साथ में आने लगती है। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, सबसे पहली समस्या क्या होती है पता है? सबसे पहली समस्या यह होती है, देखिए लोगों को क्या लगता है कि भाई सीजन आ रहा है, यानी कि सीजन चल रहा है, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, तो आपकी दुकानदारी तो बेहतर होती होगी, आपकी कमाई तो अच्छी होती होगी। अब लोगों का कहना ये होता है, अगर आप ये बोलोगे भाई सीजन में सबकी दुकानदारी होती है, सबकी कमाई होती है, तो मैं बोलूँगा नहीं होती भाई। क्योंकि हम छोटे दुकानदार के पास कोई पर्चा लेके नहीं आता, वो पर्चा लेके जाते हैं बड़े दुकानदार के पास। देखिए सीजन में अक्सर हम छोटे दुकानदार की जो कमाई होती है ना, जो सेल होती है ना, बहुत डाउन होती है। पता है क्यों? क्योंकि जो बड़ा पर्चा होता है वो बड़े दुकानदार के पास जाता है, हम छोटे दुकानदार को कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई नहीं देता भाई, क्योंकि हम छोटे दुकानदार हैं। क्योंकि देखिए भाई जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात आप लोग ना, जैसे कि मैं अभी आपको बताया है ना, छोटे दुकानदार की वो उतनी कमाई नहीं होती जितना कि बड़े दुकानदार की होती है ना। कमाई कब होती है? सीजन खत्म होने के बाद। जब सीजन होती है ना तो जो बड़ा बड़ा बिल होता है, जो बड़ा बड़ा पर्चा होता है ना, वो बड़े दुकानदार के पास जाता है, हम छोटे दुकानदार के पास नहीं आता है। जैसे कि आप लोग करते हो, हम छोटे क्रिएटर लोग को सपोर्ट नहीं करते हो, उसी तरह से हम छोटे दुकानदार लोग को कोई सपोर्ट नहीं करता है, बड़े दुकानदार को सपोर्ट करता है। बड़ी बड़ी पर्चियाँ जो आती है ना, बड़े दुकानदार के पास जाती है। आप लोग ये बोलते हैं भाई आपकी सेल तो बहुत अच्छी खासी हो रही होगी, आपकी कमाई बहुत अच्छी खासी हो रही होगी, क्योंकि अभी सीजन चल रहा है ना, शादी ब्याह चल रहा है, तो लोग को ये नहीं पता है कि छोटे दुकानदार को कोई सपोर्ट नहीं करता भाई। समय लगता है, टाइम लगता है, इतनी जल्दी उसकी कमाई नहीं हो पाती है जितना जल्दी लोग सोचते हैं कि भाई इसकी कमाई बहुत ज़्यादा हो रही है, नहीं होती है। अभी छोटे किराना दुकानदार के पास 4 कस्टमर आके सुबह शाम खड़े हो जाए ना, लोगों को लगने लगता है कि भाई इसकी दुकान तो चल रही है, बहुत कमाई इसकी हो रही है, लोगों को ये लगता है। अब उसको ये नहीं पता होता है कि कितनी उसकी कमाई हो रही है, क्या इसकी सच्चाई, सिर्फ वही जानता है। और सबसे पहली बात, जब भी आप किराना दुकान ओपन करें सही लोकेशन देके करें, नहीं तो आपको ये समस्या ना लेके डूब जाएगी और आपको ये तबाह कर देगी। क्योंकि ये किराना दुकान की सबसे बड़ी समस्या होती है। अगर आप ये सोचो कि मैं किराना दुकान करके अपना सब कुछ आन सकूँ, अपना सब कुछ देख सकूँ, किराना दुकान करके आप अपने दुकान के ऊपर कभी भी मत रहना, आपको साइड बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस होगे। अगर आप ये सोचो कि मैं किराना दुकान करके बैठ जाऊं और हमारा सब कुछ हो पाएगा है ना, सब कुछ चल पाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है भाई, आप नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपको साइड बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके आपका बेड़ा पार होगा है ना, तब आपको सपोर्ट मिलेगा। अब भाई आप ये सोच रहे होंगे कि भाई दुकान तो कर लिया हूं है ना, कितना मैं हाथ पैर फैलाऊंगा, जो मैं साइड बिजनेस, कौन साइड बिजनेस करूंगा, मैं दुकान करूंगा या फिर साइड बिजनेस करूंगा है ना। आपके मन में अगर ये चीज़ होगी ना, तो अगर आप मैसेज करोगे ना तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी किराना दुकान में बिजनेस, साइड बिजनेस कर सकते हो, जिसकी वजह से जो आपकी कमाई होगी ना वो ज़्यादा होगी और आप खुशहाल हो सकेंगे। क्योंकि देखिए किराना दुकान में कोई भी दुकानदार इतनी जल्दी खुशहाल नहीं हो पाता है। हम छोटे दुकानदार को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सही रेट में सामान ना मिल पाना, ये होती है दूसरी समस्या, जो हम छोटे दुकानदार को सही रेट में सामान ना मिल पाना। क्योंकि देखिए अक्सर ये होता है, अगर आप ये सोचो भाई कि मैं किराना दुकान कर लूँ और तुरंत हमको सही रेट में सामान मिल सके और मैं अच्छा प्रॉफिट, अच्छा मार्जिन कमा सकूँ, तो ये इम्पॉसिबल होता है। क्योंकि हम लोग को तुरंत सही रेट में सामान नहीं मिल पाता है और हम लोग को समय लगता है। क्योंकि देखिए किराना दुकान में अगर आप ये सोचो भाई मैं किराना दुकान कर लूँ और कस्टमर बनने के बाद मैं पैसा कमाने लगूँ, तो ऐसा नहीं होता भाई। क्योंकि देखिए बहुत समय लगता है और बहुत अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है अपनी किराना दुकान में, तब जाके आपको जो सामान का सही रेट होता है ना वो मिल पाता है। क्योंकि देखिए सही रेट में सामान का मिल पाना ये बहुत बड़ी समस्या होती है हम छोटे दुकानदार के लिए, जो सही रेट में सामान मिलता है। क्योंकि देखिए वो सामान किसके थ्रू मिलता है, कैसे मिलता है? क्योंकि देखिए जो बड़े दुकानदार को सही रेट में सामान वो लोग देते हैं, वो लोग हमारे पास पहुँच ही नहीं पाते हैं, हम लोग को मिलता ही नहीं है सही रेट में सामान, तो कहाँ से आपकी सेल अच्छी होगी भाई, कहाँ से आपकी कमाई ज़्यादा होगी? अब ये सबसे बड़ी समस्या होती है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है किराना दुकान की। देखिए आपको सही रेट में सामान वो लोग कैसे देते हैं, देखिए आपको समय लगता है, टाइम लगता है, कुछ महीने कुछ सालों लग जाता है आपको सही रेट में सामान मिल पाना। क्योंकि देखिए वही बंदे जो बड़े दुकानदार को देते हैं उस रेट में सामान, उसी रेट में आपको भी देंगे, लेकिन कुछ समय लगेगा। देखिए सबसे पहली बात, वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि किस कारण से हम छोटे दुकानदार को वो सही रेट में सामान ना मिल पाना। देखिए सबसे पहली बात, जो हम छोटे दुकानदार सबसे बड़ी गलतियाँ करते हैं, सबसे पहले आप एक बैनर लगवाएं कि लोगों को लगे कि भाई ये किराना दुकान या किराना स्टोर किस नाम पर है, लोगों को लगना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं होता, कोई भाई ऐसे भी होते हैं जो दुकान कर लिए, अब ये नहीं पता होता है, लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ये दुकान किसके नाम पर है,
क्योंकि देखिए ये चीज़ें पता है नाम पर फेमस होती है। अगर आप किराना स्टोर दुकान ओपन किए हैं ना, चालू किए हैं ना, तो सबसे बड़ी गलतियाँ ये करते हैं जो आपके साथ में सबसे बड़ी समस्या आती है। सबसे पहली बात, आप बैनर जरूर लगवाएं, आप अपना नाम जरूर लिखाएं, किस नाम पर आपकी दुकान है ये लोगों को लगे, तभी वो बंदे आपकी दुकान तक पहुँच पाएंगे। क्योंकि देखिए लोग नाम से फेमस होते हैं, जब आप अपने नाम से बैनर लगवाएंगे ना, तो इस चीज़ से जो लोग होते हैं ना, है ना, जो बंदे होते हैं जो सही रेट में सामान देते हैं बड़े दुकानदार को, उसी रेट में आपको देंगे, आपको दुकान तक पहुंच पाएंगे। तो सबसे बड़ी गलतियां आप ये करते हो, है ना, अगर आप बैनर या फिर किसी नाम पर आप अपनी दुकान नहीं की हो, तो आप अपने नाम पर या फिर जिसके नाम पर करना चाहते हो, जिसके नाम पर दुकान आप खोलना चाहते हो, सबसे पहले आप बैनर जरूर लगवाएं। इससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फ़ायदा होता है ना। अगर आप ये सोचो कि मैं बड़े दुकानदार के जैसा हमको सही रेट में सामान मिल पाए और मैं भी अच्छा प्रॉफिट अच्छा मार्जिन कमा सकूं, तो देखिए भाई आप बैनर जरूर लगवाइएगा अपने नाम पर, ताकि लोगों को लगे, है ना, इस नाम पर ये किराना स्टोर है। किराना दुकान में सबसे बड़ी समस्या जो तीसरी है, आपको हिला के रख देगी और इस वजह से लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं इस समस्या की वजह से। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक किराना स्टोर दुकान ओपन की हो, ये डिपेंड करता है कि आप दुकान किस लोकेशन पे किए हो। क्या यह इम्पॉसिबल है कि आप किराना स्टोर दुकान करके आप अपने घर का खर्चा चला सकते हैं या आप अपने घर का खर्चा चला पाएंगे? ये लोगों का बहुत सवाल होता है कि भाई हम किराना स्टोर दुकान ओपन करके क्या हम अपने घर का खर्चा चला सकते हैं, क्या हमारे घर का खर्चा चल सकता है किराना दुकान करके? तो भाई मैं यही बोलूँगा कि आप किराना दुकान करके अगर आप ये सोचो मैं अपने घर का खर्चा चला लूँ या फिर अदरवाइज और भी काम कर लूँ अपने इस किराना दुकान से, तो मैं बोलूँगा भाई नहीं कर पाओगे। पता है क्यों? ये डिपेंड करता है आपकी दुकान किस लोकेशन पर है। अगर आपकी दुकान अगर सही लोकेशन पर नहीं होगी ना, तो आपके घर का खर्चा भी नहीं चल पाएगा आपके इस किराना दुकान से, पता है? क्योंकि अक्सर ऐसे होता है ना, कभी कभी किससे एकदम डाउन हो जाती है, बिल्कुल बिक्री नहीं होती है, यहाँ तक कि सामान लाने के लिए पैसा नहीं होता है, तो आपका खर्चा कहाँ चलेगा? आप सोचो कि आप अपने किराना दुकान से किराना दुकान खोल करके मैं अपने घर का खर्चा चला लूँ, तो प्रॉपर तरीके से आप पूरा खर्चा नहीं चला सकते हो। क्योंकि आपको दुकान करने के लिए सबसे पहले सही लोकेशन देखना होगा कि सही लोकेशन कौन सी है और कहाँ पर हम दुकान करें, ताकि हमारे घर का खर्चा और हमारे जेब का खर्चा निकल सके। क्योंकि देखिए किराना दुकान हो गया या फिर अदरवाइज कोई भी बिजनेस हो गया, देखिए अगर आप सही लोकेशन पर दुकान नहीं करेंगे ना, तो ये समस्या आपके साथ में आने वाली है और ये समस्या सबसे बड़ी तबाही होती है। इस समस्या की वजह से, है ना, लोग तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। लास्ट में क्या होता है पता है? दुकान बंद हो जाती है, यहाँ तक कि घर का खर्चा चलना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। तो आप सही लोकेशन चुनाव कीजिए। अगर आप सही लोकेशन चुनाव करेंगे ना, तब जाके आपकी कमाई अच्छी होगी, आपका इनकम अच्छा होगा, आप अपने किराने दुकान से आगे जा पाएंगे। और सबसे पहली बात, जब भी आप किराना दुकान ओपन करें सही लोकेशन देके करें, नहीं तो आपको ये समस्या ना लेके डूब जाएगी और आपको ये तबाह कर देगी ये समस्या, क्योंकि ये किराना दुकान की सबसे बड़ी समस्या होती है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से मेरी बताई हुई जानकारी से आप सहमित होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन तक मेरी वीडियो पहुंच सके, आपकी वजह से वो भी जान सके कितनी बड़ी समस्या आती है किराना दुकान में, क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ता है। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।